नमस्कार, मैं पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा, ज्योतिष रतन AIFAS, आप सभी को 31 जनवरी सन 2018 माघी पूर्णिमा को बुधवार को होने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। माघी पूर्णिमा को जो चंद्र ग्रहण होगा 5:18 से चंद्र ग्रहण का लगना प्रारंभ हो जाएगा। भारत के अधिकांश भागों में यह ग्रहण ग्रस्ता हुआ ही आप सभी को दिखाई देगा। ग्रहण के जिन भागों में जिस समय चंद्र उदय होगा वहीं पर ही ग्रहण देखा जा सकेगा। ग्रहण का अंत देश के सभी भागों में रात्रि 8:41 पर होगा। खग्रास प्रारंभ 6:31 पर, मध्याह्न ग्रहण का ज्ञा रात्रि को 7:00 पर होगा और उन्मिलन ग्रहण का रात्रि को 7:38 पर होगा। ग्रहण समाप्त 8:41 पर होगा और 31 जनवरी माघ शुक्ल पूर्णिमा को बुधवार में प्रातः 8:18 पर सूतक प्रारंभ हो जाएगा। सूतकों में बाल, वृद्ध, रोगी और आसक्त जनों को छोड़कर किसी अन्य को भोजन और शयन आदि नहीं करना चाहिए। उधर में जन विदेशी महिलाओं के शिशु पल रहे हैं, जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको तीक्ष्णधार चाकू और छुरी से फल सब्जी इत्यादि को नहीं काटना चाहिए और कोशिश ये करें कि ग्रहण में वो अपने घर से बाहर खुले में ना निकलें। ग्रह जन्म दूषित समय को भगवान के भजन, पूजन, संध्या, ध्यान, अर्चन आदि में प्रभु भक्ति में अपने समय को लगाएं। अग्रास ग्रहण सायंकाल पूजा स्थलों के समय, जिस समय ग्रहण पड़ेगा उस समय सभी पूजा स्थलों के पट मंदिरों के बंद रहेंगे और देव स्थानों पर देव दर्शनों का लाभ आप किसी को नहीं मिल सकेगा। ग्रहण में अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में उदित हो रहा है, इस राशि वाले और नक्षत्र वालों को त्रस्त करेगा। जिन राशियों को ग्रहण त्रस्त कर रहा है उन राशियों में मेष, कर्क, सिंह और धनु मीन राशि वाले इस ग्रहण से प्रभावित रहेंगे। इन राशि वालों को पुण्य अर्जन के लिए दोष मुक्ति का उपाय करना चाहिए। भगवान की भक्ति में सा आनंद करते हुए प्रभु भक्ति में लीन रहें, इससे सौख्य और समृद्धि की वृद्धि हो सके। चंद्र ग्रहण भारत से अलग विदेशों में भी म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, हिंद महासागर आदि में देखा जा सकेगा। और हम ग्रहण में क्या करें इसके लिए विशेष उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं कि गृहस्माने भवेत् स्नानम् गृहस्थे हमो विधीयते, मच्यमाने भवेत् दानम् मुक्ते स्नानम् विधीयते। अर्थात ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान, ग्रहण मध्य में हवन, पूजा पाठ, देव अर्चन, ग्रहण की समाप्ति के समय दान और ग्रहण समाप्त होने पर उन्हें वस्त्र सहित स्नान करके प्राणी शुद्ध हो गए। ये भगवान की भक्ति में सा आनंद करते हुए प्रभु भक्ति में लीन रहे, इससे सौख्य और समृद्धि की वृद्धि हो सके। चंद्र ग्रहण भारत से अलग विदेशों में भी म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, हिंद महासागर आदि में देखा जा सकेगा। और हम ग्रहण में क्या करें इसके लिए विशेष उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं कि गृहस्माने भवेत् स्नानम् गृहस्थे हमो विधीयते, मच्यमाने भवेत् दानम् मुक्ते स्नानम् विधीयते। अर्थात ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान, ग्रहण मध्य में हवन, पूजा पाठ, देव अर्चन, ग्रहण की समाप्ति के समय दान और ग्रहण समाप्त होने पर उन्हें वस्त्र सहित स्नान करके प्राणी शुद्ध हो गए। जब ग्रहण होता है तो अब हमें क्या करना चाहिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि गृहस्माने भवेत् स्नानम् गृहस्थे होमो विधीयते, मच्यमाने भवेत् दानम् मुक्ते स्नानम् विधीयते। कि ग्रहण सूर्य शुरू होने से पहले स्नान, ग्रहण मध्य में हवन, पूजा पाठ, यज्ञ, यज्ञार्चन, देवार्चन और ग्रहण की समाप्ति के समय दान और ग्रहण समाप्त होने पर उन्हें नवीन वस्त्र सहित धारण करके प्राणी को शुद्ध स्नान होना चाहिए। सर्वे गंगा समम तोयम् सर्वे व्यास समा द्विजा
सर्वभूमि समम दानम ग्रहणे चंद्र सूर्य हो। कि सूर्य चंद्र ग्रहण के समय साफ जल चाहे कहीं से भी लिया गया हो पवित्र गंगा जल के समान माना गया है। सभी द्विजाचार्य व्यास के समान कहे गए हैं और दान सर्वभूमि दान के समान फल होता है। और जिन जिन शहरों में आसन क्षेत्रों में चंद्र उदय होने पर ग्रहण के दर्शन हो सकेंगे 6:21 बजे के बाद जहां जहां चंद्र उदय होगा वहां वहां चंद्र ग्रहण सम्मिलित स्थिति में भी देखा जा सकेगा। ग्रहण का अंत संपूर्ण देश में 8:41 पर ही होगा, अर्थात ग्रहण प्रारंभ जो हो रहा है 5:18 से और ग्रहण समाप्त का जो समय है 8:41 ही होगा। धन्यवाद।